एक्सक्यूज मी रोहित मजंदा, तमन्ना मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोर्ट केसेस में ऐसे होते रहता है। आज हम सिविल कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मैं हाई कोर्ट में अपील नहीं करना चाहती। देखो, हम अगर तुम किसी और वकील के पास जाना चाहती हो, आई अंडरस्टैंड। मैं ये केस तुम्हारे लिए जीत नहीं पाया रोहित। रोहित वापस आ गया। लास्ट स्टेज पर है। सॉरी, कुछ बोला उसने? कहा था अब तक? जब वो यहां था तो उसे पता नहीं था कि वो HIV पॉजिटिव है। वापस जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराया तो पता चला एड्स का वायरस उसके पूरे बदन में फैलना शुरू हो गया। कुछ महीने वो अस्पताल में रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती तो वो वापस आ गया। होप के अगेंस्ट होप के मुझे कुछ नहीं हुआ।
आज हमने हरिका ने उसे बताया कि मैं, तो वो पूरी तरह से टूट गया। तरुण, आज हमने उसे देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना भी लड़ लूं, एक दिन मेरी भी हालत वही होगी जो आज उसकी है। मैं बहुत डर गई हूं तरुण, रोहित का यार मुझे देख नहीं गया, रोहित का यार देख नहीं गया। और वो चिता देखते मुझे एहसास होता है कि कर मैं भी ऐसी। मैं बेबी सिटिंग नहीं करता तरुण, तुम अगर यहां अपने केस हारने का रोना रोने आए हो तो आई एम सॉरी, चले जाओ। सो प्लीज सर, आई हैव लॉस्ट द केस। हैज द केस लॉस्ट यू तरुण? तुम्हारे पास अब भी हाईकोर्ट में अपील करने का चांस है। जज ने यह तो नहीं बोला ना कि तमन्ना इनएफिशिएंट थी, उनके ऑर्डर में साफ लिखा है कि तमन्ना इनएफिशिएंट नहीं थी और टीजे उसके एचआईवी पॉजिटिव होने के बारे में जानता था। हे तरुण, तुम जो प्रूव करना चाहते थे तुमने कर दिया। लेकिन सर, जज ने यह भी कहा है कि इस सब के बावजूद टीजे तमन्ना को जॉब से निकाल सकता है। टीजे ने लॉ के बाहर कुछ भी नहीं किया तो तमन्ना कॉम्पेंसेशन भी क्लेम नहीं कर सकती और ना ही वापस अपनी नौकरी पे जा सकती है। बात सिर्फ एक तमन्ना की नहीं है तरुण, बात तमन्ना जैसे बहुत सारे लोगों की है जिनके हेल्प के लिए इस कंट्री में कोई लॉ है ही नहीं। तुमको यह चांस मिला है ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का और तुम हैं।
चाहता हूं ना, सारा दिन यही बिताती हूं। मैं यहां खुश हूं तुम्हारे पास। बकवास, डोंट डाई विद मी तमन्ना, जब तक ये जिंदगी है। अब ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हेलो तमन्ना। हेलो लाल सर, तरुण। हाँ हाँ तरुण। सर आज हाई कोर्ट में तमन्ना की केस की हियरिंग है। तमन्ना, मैं अनु हॉस्पिस से। रोहित की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। I'm coming। हियरिंग के बाद फोन करना, बताना कैसे गया। जी, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। जी सर। All the best. Thank you. Nisha. मुझे छोड़ के जा रहे हो। ऑनरेबल जजेस, एक डेडिकेटेड दिन रात मेहनत करने वाली लड़की, एक लड़की जिसने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के कई बड़े अवार्ड जीते हैं, और उसके एचआईवी पॉजिटिव होने का पता चलते ही उसके बॉस मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम ने क्या किया, वही जो ज्यादातर लोग करते हैं। तमन्ना को अपने आप से जितना भी दूर हो सके उतना ही दूर करने की कोशिश, और क्यों नहीं, तमन्ना के साथ मैंने भी ऐसा किया था। क्यों? Because I was scared. I was scared because I was ignorant. HIV dangerous है, HIV से जान जाती है, लेकिन क्या HIV से जिंदगी जाती है? जिंदगी जीने का हक जाता है? अगर हां तो फिर क्यों हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं? लेकिन अगर HIV से सिर्फ जान जाती है, जिंदगी जीने का हक नहीं, तो फिर क्यों? क्यों हम तमन्ना साहनी और उसके जैसे लोगों को अपने से दूर करना चाहते हैं? My client तमन्ना साहनी is HIV पॉजिटिव, और वो ये जानती है कि वो शायद इस बीमारी से बच ना पाए, लेकिन वो लड़ना चाहती है।
वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, फिर हम उसे क्यों रोक रहे हैं? हम होते कौन है उसे रोकने वाले? Her condition does not stop her from carrying out her duties to the best of her ability, and may I add that she's extremely capable. अगर हमारे ऑफिस में कोई बीमार पड़ जाए तो हम थोड़ी ना उसे नौकरी से निकाल देते हैं, फिर एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को क्यों? हमें इन लोगों को अपनाना चाहिए, दरा की समाज से बाहर फेंकना नहीं चाहिए। हम क्यों उन्हें अपने पास जगह नहीं दे सकते, प्यार और इज्जत नहीं दे सकते? क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये लोग दुनिया से डर के छुपते रहेंगे, अपनी बीमारी छुपाते रहेंगे, और एचआईवी ऐसे ही अनजान गलतियों से फैलता रहेगा। तमन्ना साहनी इज माई फ्रेंड एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। आई विल स्टैंड बाय हर कम व्हाट मे। टुडे आई बीसीच यू द लॉ मेकर्स ऑफ दिस लैंड टू डू द सेम। स्टैंड बाय तमन्ना, गिव हर बैक हर लाइफ, बिकॉज इन डूइंग सो यू नॉट ओनली हेल्प तमन्ना बट द मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज, एंड यू हेल्प those very few thousands who fight every day oh so very hard in order to stop the spread of this virus. Ugh.